हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी लास्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो उस लास्ट यूनिट में स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम सुपर स्केलर प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सुपर स्केलर प्रोसेसर्स। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट्स यह जो सुपर स्केलर प्रोसेसर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आइए डिस्कस करते हैं सुपर स्केलर प्रोसेसर के बारे में। सुपर स्केलर CPU आर्किटेक्चर यानी कि जो सुपर स्केलर CPU आर्किटेक्चर है हमारा इम्प्लीमेंट्स अ फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म विद इन अ सिंगल प्रोसेसर। यानी कि हमारा जो सुपर स्केलर CPU आर्किटेक्चर है वह इम्प्लीमेंट करता है, वह इम्प्लीमेंट यानी कि वह किसी अप्लाई करता है एक फॉर्म को पैरेललिज्म की जिसको हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म बोलते हैं जो कि सिंगल प्रोसेसर पर वर्क करती है। इट देयरफॉर अलाउज फास्टर CPU थ्रूपुट यानी कि यह हमें अलाउ भी करती है सुपर स्केलर प्रोसेसर CPU को कि यह फास्टर आउटपुट देने में हेल्प करे देन वुड अदरवाइज बी पॉसिबल एट अ गिवन क्लॉक रेट या एक समय अंतराल पर यह हमें एक फास्टर जो आउटपुट है वह हमें मिलता रहे। अ सुपर स्केलर प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल यानी कि एक सुपर स्केलर प्रोसेसर जो है वह एग्जीक्यूट करता है एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को यानी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक निश्चित समय पर एक बाय साइमल्टेनियसली डिस्पैचिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस टू रिडंडेंट फंक्शनल यूनिट ऑन द प्रोसेसर। यानी कि वह एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एक निश्चित समय अंतराल पर जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एक साथ डिस्पैच करके रिडंडेंट फंक्शनल यूनिट्स को प्रोसेसर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ईच फंक्शनल यूनिट इज नॉट अ सेपरेट CPU यानी कि जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको आप सेपरेट CPU नहीं कह सकते बट एन एग्जीक्यूशन रिसोर्स विद इन अ सिंगल CPU। बट बात करें हम जो एग्जीक्यूशन रिसोर्स यानी कि साधन के रूप में हम सिंगल CPU के अंदर प्रयोग करते हैं सच एज एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अ बिट शिफ्टर टू अ मल्टीप्लाई या फिर हम बोलते हैं बिट शिफ्टर होता है जो कि मल्टीप्लायर के लिए हम कन्वर्ट करते हैं। द सुपर स्केलर टेक्निक इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद सेवरल आइडेंटिफाई करेक्टर्स यानी कि जो सुपर स्केलर टेक्निक है उसको ट्रेडिशनली जो डिवाइड किया गया है एसोसिएट यानी कि ट्रेडिशनली जो रेफर करता है वह सेवरल काफ़ी जो है विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस तरीके से स्टूडेंट्स पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सुपर स्केलर प्रोसेसर का वह इंस्ट्रक्शन आर इशूड फ्रॉम अ सिक्वेंशियल स्ट्रीम यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं निर्देश होते हैं वह इशूड यानी कि इशू किए जाते हैं सिक्वेंशियल स्ट्रीम के लिए। देन नेक्स्ट है CPU हार्डवेयर डायनामिकली चेक्स फॉर डेटा डिपेंडेंसी यानी कि CPU जो होता है हमारा वो डायनामिकली चेक करता है डेटा डिपेंडेंसी को बिटवीन इंस्ट्रक्शंस एट रन टाइम यानी कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर रन टाइम के समय पर। द CPU असेप्ट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल यानी कि CPU जो है वह असेप्ट करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पर क्लॉक साइकिल यानी कि जितनी भी क्लॉक साइकिल परफॉर्म होती हैं प्रत्येक क्लॉक साइकिल पर CPU जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को असेप्ट करता है। अब है स्टूडेंट स्केलर टू सुपर स्केलर यानी किस तरीके से हम स्केलर जो है उसको सुपर स्केलर में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम बात करते हैं स्केलर सुपर स्केलर जो है वह किस प्रोसेस से मिलकर बना है। द सिंपलेस्ट प्रोसेसर आर स्केलर प्रोसेसर यानी कि जो साधारण प्रोसेसर होते हैं उनको हम स्केलर प्रोसेसर बोलते हैं।
ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अ स्केलर प्रोसेसर, यानी कि इसमें जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वे एग्जीक्यूट जो है वह स्केलर प्रोसेसर के द्वारा होते हैं। टिपिकली मैनिपुलेट्स वन और टू डेटा आइटम्स एट अ टाइम, जिसमें कि एक साथ दो डेटा आइटम्स जो हैं वह एक साथ मैनिपुलेट होते हैं। अ वेक्टर प्रोसेसिंग ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली ऑन मैनी डेटा आइटम्स, यानी कि हम बात करें, यह था हमारा स्केलर के बारे में, अब हम बात करें वेक्टर के बारे में। वेक्टर प्रोसेसर, तो जिस तरीके से स्केलर प्रोसेसर में एक या दो डेटा आइटम्स को हम ऑपरेट करते थे या मैनिपुलेट करते थे, बट इन द वेक्टर प्रोसेसर हम मोर देन टू आइटम्स को एक साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। एन एनालॉजी इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर अरिथमेटिक, यानी कि हम बात करें यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस हैं हमारे वेक्टर और स्केलर अरिथमेटिक के बारे में। अ सुपर स्केलर इज अ मिक्सर ऑफ द टू, और सुपर स्केलर की बात करें हमारे तो यह जो है हमारा वेक्टर और स्केलर का कॉम्बिनेशन है, या मिक्सर भी बोल सकते हैं हम इसको। अवेलेबल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सुपर स्केलर टेक्निक्स इज लिमिटेड बाई थ्री कीज आर, यानी कि जो परफॉर्मेंस की में जो इम्प्रूवमेंट हुआ सुपर स्केलर से की टेक्निक्स के द्वारा, वह जो है वो थ्री की पॉइंट्स की हेल्प से हुआ। तो वह कौन कौन से थ्री की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आइए उन पर एक निगाह डालते हैं। द डिग्री ऑफ स्ट्रिक्ट पैरेललिज्म इज द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, यानी कि जो हमारी एक अनुपात है जिसके बेस पर हम पैरेललिज्म को इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के अंदर देखते हैं, वह हमारा लिमिटेड अमाउंट होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का। द कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉस्ट ऑफ द डिस्पैचर एंड एसोसिएटेड डिपेंडेंसी चेकिंग लॉजिक, यानी कि इसके अंदर जो हमारा सुपर स्केलर प्रोसेसर होता है वह कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉस्ट जो होती है उसको डिस्पैचर और एसोसिएटेड डिपेंडेंसी के थ्रू वहाँ पर लॉजिक चेक करता है। द ब्रांच इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, यहाँ पर क्या होता है हमारा सुपर स्केलर प्रोसेसिंग की जो हमारी इम्प्रूवमेंट हुई थी वह ब्रांच इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के थ्रू हुई थी। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यह भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन शॉर्ट नोट में कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सुपर स्केलर एंड मल्टी प्रोसेसर, यानी कि सुपर स्केलर और मल्टी प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस बताइए। अब बात करते हैं हम सुपर स्केलर मशीन्स एग्जीक्यूट रेगुलर सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स द प्रोग्राम्स इज अनअवेयर ऑफ द पैरेललिज्म, यानी कि सुपर स्केलर मशीन्स में जो होते हैं वे एग्जीक्यूट होते हैं रेगुलर सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स, बट वहाँ पर जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वे पैरेललिज्म को लेकर अनअवेयर होते हैं, यानी कि उन्हें नॉलेज नहीं होती अबाउट द पैरेललिज्म। द प्रोग्रामर मस्ट एक्सप्लिसिटली कोड पैरेललिज्म फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वह जो उनके लिए वहाँ पर मस्त हो जाता है यह चीज़ को कि वह कोड लिखें पैरेललिज्म के लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में। सिंपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी इनिशिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वे सिंपली इनिशिएट किए जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी किया जाता है इंडिपेंडेंटली। इक्वल एप्लीकेबल टू RISC एंड CISC, यानी कि बोथ दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों जो हैं वह एप्लीकेबल होते हैं हमारे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स के लिए और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं अबाउट द सुपर स्केलर एंड मल्टी प्रोसेसर। अब आइए एक बार हम फिर से अपना देखते हैं कि हमने आज जो पढ़ा उनके बारे में, तो आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट वो हमने सुपर स्केलर प्रोसेसर के बारे में पढ़ा। सुपर स्केलर प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसको हम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था ये पैरेललिज्म के द्वारा, जिसको हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म बोलते हैं, जो कि सिंगल प्रोसेसर के अंदर वर्क करती है। इट देयरफॉर अलाउज CPU फास्टर थ्रूपुट, और यह हमें CPU को अलाउ करती है फास्टर आउटपुट देने के लिए। देन वुड अदरवाइज विल बी पॉसिबल एट अ गिवन क्लॉक रेट, या फिर वह एक निश्चित समय अंतराल पर जो है हमें आउटपुट मिलता रहे। सुपर स्केलर प्रोसेसर जो होता है वो मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस को
एक निश्चित समय अंतराल पर जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक साथ डिस्पैच करता है रिडंडेंट फंक्शनल यूनिट्स को प्रोसेसर के अंदर। ईच यहाँ पर हम बात करें तो जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं उनको हम सीपीयू नहीं कह सकते, यानी कि सुपर स्केलर प्रोसेसर के अंदर जितनी भी फंक्शनल यूनिट होती है हमारी उनको हम सीपीयू नहीं कह सकते। बट सीपीयू के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है हमारी जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। सुपर स्केलर टेक्निक्स जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है कि यह जो है इशू की जाती हैं, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इशू किया जाता है सिक्वेंशियल स्ट्रीम में। सीपीयू हार्डवेयर जो होते हैं वो डायनामिकली चेक करते हैं डेटा डिपेंडेंसीज को इंस्ट्रक्शंस के बीच रन टाइम पर। द सीपीयू यहाँ पर जो है वह एक्सेप्ट करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पर क्लॉक साइकिल, यानी कि जितनी भी क्लॉक साइकिल्स वहाँ पर परफॉर्म होती हैं उन हर यानी कि पर क्लॉक साइकिल पर वह एक्सेप्ट करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम स्केलर टू सुपर स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर हम साइमल्टेनियसली मैनी डेटा आइटम्स जो हमारे वहाँ स्केलर प्रोसेसर होता है, ये हमारा सिंपल प्रोसेसर होता है, इसमें हम एक या दो डेटा आइटम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट वेक्टर प्रोसेसर में हम एक साथ कई डेटा मैनिपुलेट या ऑपरेट कर सकते हैं। और हम बात करें तो सुपर स्केलर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर कुछ 3 की पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हमारा जो है सुपर स्केलर की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो यहाँ पर क्या था, इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म के थ्रू इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स जो होती हैं वह अपने अंदर लिमिटेड अमाउंट रखती हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और टाइम कॉस्ट जो होती है डिस्पैचर की वह एसोसिएट करती है डिपेंडेंसीज को और उसे लॉजिकली चेक करती है। यह जो इम्प्रूवमेंट हुई थी परफॉर्मेंस में वह ब्रांच इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के थ्रू हुई थी। हम बात करें यहाँ पर 4 पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि स्केलर और मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं वे हमारे डिफरेंट होते हैं। कि सुपर स्केलर मशीन जो होती हैं वे लार्ज जो है एग्जीक्यूट करती हैं रेगुलर सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स को, और प्रोग्राम जो है वहाँ पर प्रोग्रामर वह अनअवेयर रहता है पैरेललिज्म को लेकर। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वह एक्सप्लिसिटली यानी कि कोड्स लिखते हैं पैरेललिज्म के लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, और यहाँ पर सिंपल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको इनिशिएट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है इंडिपेंडेंटली। इक्वली एप्लीकेबल यानी कि जो है सुपर स्केलर दोनों ही जो है वह इक्वली एप्लीकेबल होते हैं RISC और CISC के लिए। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।